अब बात करते हैं घर के पूजा स्थान की। घर का जो पूजा स्थान है ये आपके जीवन का सपोर्ट सिस्टम है। मुश्किल समय में ईश्वर की कितनी कृपा मिलेगी आपको, कितना सपोर्ट मिलेगा आपको, ये आपके घर का पूजा स्थान बता सकता है। घर का जो पूजा स्थान है वो बृहस्पति से और कुछ हद तक सूर्य से संबंध रखता है। बृहस्पति और सूर्य, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पूजा घर में आपको दिखाई देगा। अपने घर में पूजा स्थान की पवित्रता बनाए रखना चाहिए, पूजा स्थान को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। यहां पर पूजा स्थान में बहुत ज्यादा चित्र और बहुत ज्यादा मूर्तियां मत रखिए। दो चार चित्र, दो चार मूर्तियां काफी हैं जिनकी आप पूजा कर सकें। और जो आपका पूजा स्थान है उसको साफ सुथरा रखिए। नियमित रूप से शाम के समय यहाँ प्रकाश की व्यवस्था करें, यानी रोज शाम को अपने पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। आपका पूजा स्थान सुंदर बना हुआ हो, साफ सफाई हो, पूजा स्थान पर आप रोज दीपक जलाते हो और उसको अच्छी तरह से रखते हो, तो ये पूजा घर अकेला आपके सूर्य और बृहस्पति को प्रबल कर देगा। और इस स्थान पर बैठ करके अगर आप प्रार्थना करेंगे, पूजा स्थान को बेहतर रखेंगे, तो सूर्य और बृहस्पति अपने आप बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि मुझे सही समय पर ईश्वर का साथ नहीं मिलता, या जो लोग ये शिकायत करते हैं कि भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता, ऐसे लोग अपने घर के पूजा स्थान पर जरा ध्यान दें, अपने घर के पूजा स्थान को जरा बेहतर कर लें, उनको ईश्वर की कृपा मिलेगी भी और अनुभव भी जरूर होगा। अब बात करते हैं आपके घर के बाथरूम की। बाथरूम के बारे में हम सोचते हैं कि ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जगह तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके घर का बाथरूम बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके घर का बाथरूम राहु केतु और शनि से संबंध रखता है। ज्यादातर मामले में बाथरूम राहु केतु से संबंध रखता है और कुछ हद तक शनि से संबंध रखता है। वैसे तो पानी की बर्बादी कहीं भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाथरूम में इस बात का ज्यादा ध्यान रखें कि पानी की बर्बादी ना हो। और जहां तक हो सके आपके बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन लगा हो ताकि हवा का वेंटिलेशन हो। बाथरूम में लाइटिंग ठीक होनी चाहिए। बाथरूम का प्रयोग करते समय तो आप दरवाजा बंद करेंगे ही, लेकिन सामान्यतः भी बाथरूम का दरवाजा घर में हमेशा बंद रखना चाहिए। बाथरूम का दरवाजा हमेशा खोल करके ना रखें।
आपका बाथरूम साफ सुथरा है, बाथरूम में गंदगी नहीं है, पानी की बर्बादी नहीं होती है, तो आप इस स्थान को अगर ठीक रखते हैं तो आपकी उतार चढ़ाव से रक्षा होगी और आपके जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा। जो लोग अपने बाथरूम को साफ सुथरा नहीं रखते, गंदा रखते हैं, अक्सर वो ज़्यादा बीमार होते हैं। और दूसरे नंबर पे ऐसे लोगों के जीवन में करियर को लेके, पैसे रुपए को लेके लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है। तो हमने आपको ये बता दिया कि देखिए, आप अपने घर को अच्छा रखेंगे तो आपके ग्रह बेहतर होंगे, और आपके ग्रह बेहतर होंगे तो कुंडली पर इसका शुभ प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो देखिए, आप अपने घर के ग्रहों को बेहतर करके कुंडली के ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं। और आपके घर में कौन सा इलाका गड़बड़ हो सकता है ये कुंडली देखकर भी जाना जा सकता है। उसके लिए आपके घर के नक्शे को देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपकी कुंडली का जो ग्रह सबसे ज़्यादा गड़बड़ होगा, निगेटिव होगा, उससे जुड़ी हुई समस्या आपके कुंडली में, जो निगेटिव ग्रह है उसकी समस्या आपके घर में होगी और वो आपके जीवन पर असर डालना शुरू कर देगी। एक बात मैं और बता दूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपके घर के ग्रहों को ठीक करने के लिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि आप अपने घर में तीन बातें बिल्कुल ठीक रखें। पहला, घर की साफ सफाई। दूसरा, घर में नियमित रूप से पूजा उपासना का होना। और तीसरा, घर में जब भोजन बनता है, एक रोटी या भोजन का कुछ हिस्सा किसी गरीब को दे या गाय को खिलाएं। अगर आप इन तीन बातों का रेगुलर जीवन में ध्यान देने लगें तो आपको ज़्यादा वास्तु की या ग्रहों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।